Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living on life. तो यहाँ पे ग्रुप ए का डे वन मैच नंबर वन स्टार्ट हो चुका है भाई साहब। डे वन मैच वन के पहली फाइट यहाँ पे टीम नंबर 13 और टीम नंबर 11 के बीच में स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे नेट करते हो भाई अपार्टमेंट्स के अंदर, यासने के अंदर फाइट चल रही है और नेट से एक बंदा बूम बम करके उड़ चुका है। यहाँ पे टीम नंबर 13 के बंदे पर रश करते हैं और भाई कतई गोलियों की बम्बाड़ आवाज आती है। टीम नंबर 13 का एक बंदा नॉक हो चुका है, बिल्कुल सनी देओल की तरह गए थे लेकिन सनी देओल की तरह वापसी आ चुका है। यहाँ पे टीम नंबर 13 ने भाई अंदर घुस के रश मार दिया, टीम नंबर 11 की टीम के बंदों को एकदम चित कर दिया और यहाँ पे पूरी टीम नंबर 11 जो है मेरे को लग रहा है वाइप हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ इनका एक बंदा रिमेनिंग और एक बंदा है कहाँ पे है ये बंदा? ओ भाई ये बंदा कहाँ पे है? मतलब ये दूसरी बिल्डिंग में क्या कर रहा है? दूसरी बिल्डिंग में है भी तो भाई ये दूसरी बिल्डिंग में रह के इसकी एनर्जी लोक हुई तो हुई कैसे? कोई बताएगा मुझे? किसके पास है जवाब? है किसी के पास जवाब? नहीं है किसी के पास जवाब तो कोई बात नहीं, दूसरी जगह चलते हैं भाई। ये T3 चल रहा है और T3 के अंदर इतनी खतरनाक तरीके से कॉम्पिटेटिव खेल रही है भाई साहब। सर्कल के अंदर से 5 या 6 टीमें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, सारी की सारी टीम्स भाई सर्कल के बाहर ही जो है वो मुजरा कर रही है या फिर क्या कर रही है समझ नहीं आ रहा मुझे। कते सेफ खेलते हैं और यहाँ पे देखो यहाँ पे तो उनकी डांस बर्थडे चल रही है भाई साहब, बिल्कुल पिछवाड़ा अपना दिखाते हैं यहाँ पे हरे कलर का कच्चा पहन के। और यहाँ पे एक पूरी टीम जो है भाई वो एक दूसरे में नेट मार रही है। वाओ वाओ वाह बेटे वाह, मजा आ गया। ये हो क्या रहा है इस घर के अंदर मुझे समझ नहीं आ रहा। एक बंदा ऊपर है यहाँ पे, एक बंदा छत के ऊपर टैंक के आराम से लूट कर रहा है और बाकी दो बंदे जो है वो एक बंदे की मार रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। कहते भाई उसे बख्शो दो भाई, आपस में ऐसा नहीं करते भाई। T3 कस्टम रूम चल रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो? अब ऐसा क्यों कर रहे हो? अब क्यों का क्यों मार रहा है उसे? बेचारा DC है, वो रहने दो थोड़ी देर में आ जाएगा, ठीक है जोन आ रहा है। लेकिन नहीं ये भाई ये लोग नहीं मार रहे बिल्कुल, कतई भाई कतई लूट के भिखारी हो चुके हैं, बिल्कुल भूखे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई से कल्पेश और रोनक ओपी की टीम की यहाँ पे फाइट हो चुकी है टीम नंबर 8 की टीम नंबर 18 के साथ। और टीम नंबर 18 के जो चारों बंदे हैं भाई वो बहुत ही दूर से भागते हुए आके इस घर के ऊपर रश कर रहे हैं और यहाँ पे फायर हो चुके हैं। रोनक ओपी ने वहाँ पे फायर किया लेकिन यहाँ पे टीम नंबर 18 के बंदे ने एक बंदे को नॉक कर दिया। INDVR यहाँ पे नॉक हो चुका है, क्या ये टीम नंबर 18 यहाँ पे रश कर पाएगी? क्योंकि ये लोग है बहुत दूर दूर लेकिन चाहे तो यहाँ पे रश कर सकते हैं। लेकिन टीम नंबर 8 के पास घर का कवर है तो होप कि ये टीम नंबर 8 जो है ये फाइट जीत जाएगी क्योंकि इनके पास घर का कवर है पूरा का पूरा। और ये लोग ओपन से आ रहे बिल्कुल पेड़ों का सारा लेते लेते यहाँ पे कल्पेश ओपी जो है वो डाउन तो हुए थे लेकिन हीलिंग वीलिंग करने के बाद सब कुछ इन्होंने सेट कर लिया। और यहाँ पे टीम नंबर 18 का बंदा बहुत ही दूर से स्कोप करता हुआ, ये जाता क्यों नहीं है भाई? जाना आगे भाई, तेरी टीम आगे मर तो रही है, जाना। और यहाँ पे भाई क्रेजी डैड जो है वो आगे फ्लैंग मारते हुए राइट से फ्लैंग मारते हुए लेकिन यहाँ पे टीम नंबर 18 का एक बंदा डाउन कर चुका है। टीम नंबर 18 के संजू ने भाई सब क्या ही ड्रॉप शॉट मारा यहाँ पे कल्पेश ओपी को, यहाँ पे कल्पेश ओपी हो चुके हैं नॉक। और यहीं पे ये लोग आगे बढ़ते और आगे बढ़ने का दिख रहे तो भाई रोनक ने जो है वो संजू को यहाँ पे नॉक कर दिया और टीम नंबर 18 के भाई दो बंदे यहाँ पे नॉक हो चुके हैं और टीम नंबर 8 के भाई दो बंदे नॉक पड़े। तो यहाँ पे देखते हैं भाई एक एक बंदा बचा गया 1v1 में कौन जीतेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई तीन बंदे नॉक हो चुके हैं दोनों टीम्स के, टीम नंबर 8 के भी तीन बंदे नॉक हो गए और टीम नंबर 18 के भाई सब तीन बंदे नॉक हो गए, दोनों टीम के एक एक बंदा बचा हुआ है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे रोनक को जो है भाई उन दोनों को पहले से खत्म कर देना चाहिए था मेरे ख्याल से क्योंकि इनका एक बंदा जो है वो बहुत दूर है। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से टीम नंबर 18 भी अपने एक प्लेयर को जो है वो रिवाइव दे देगा और वो बंदा बहुत दूर से भागता हुआ आ चुका है कंटेनर के पीछे भाई साहब, बिल्कुल पिछवाड़ा जो है वो सलाता हुआ एकदम सला के उसे रिवाइव करता हुआ। और यहाँ पे जो है टीम नंबर 18 का बंदा भी रिवाइव हो चुका है और टीम नंबर 8 का बंदा भी एक बंदा रिवाइव हो चुका है। यहाँ पे रौनक फिर से बाहर के भाई फायर करता हुआ और यहाँ पे फिर से बचा भाई दोनों बंदे बचा बिल्कुल 1-1 HP यहाँ पे रह चुके हैं दोनों बंदे और रौनक ओपी यहाँ पे जो है वो नॉक हो चुके हैं भाई साहब। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे गेम प्ले करते हुए, इन दोनों को मेरे ख्याल से फर्स्ट एड मारने के बाद रश कर देना चाहिए। और जी हाँ बिल्कुल वही सोच है मेरे ख्याल से इन दोनों की भी, इन दोनों ने जो है भाई पे फुल हील कर लिया और जिस बंदे ने हील किया सबसे पहले वो ही जाएगा मारने। जी हाँ बिल्कुल सही बात। तो ये भाई रश कर चुके हैं अकेले घुसने वाले हैं क्योंकि इन्हें पता है कि एक बंदा नॉक है और वो रिवाइव होगा तब तक जोन भी आ रहा तो हेल्थ कम रहेगी। तो यहाँ पे रश मार दिया है और यहाँ पे टीम नंबर 8 के वीर ने जो है भाई वो उस बंदे को नॉक कर दिया, दूसरा बंदे भी अंदर आता हुआ। तो यहाँ पे सिर्फ 1v1 की फाइट मुझे लग रहा है देखने को मिलेगी। जी हाँ यहाँ पे 1v1 की फाइट और यहाँ पे INDVR ने जो है वो खत्म कर दिया पूरा स्क्वाड। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फाइट हमें यहाँ पे देखने को मिली और यहाँ पे जो है वो INDVR अपने दोनों सहपाठियों को जो है वो भाई रिवाइव देने के बाद आगे बढ़ेंगे, आगे की गेम की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि ब्लू जोन तो है लेकिन पहला जोन नहीं था ये, इसलिए थोड़ा बच से गए ये सेकेंड थर्ड जोन था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई। ये क्या देख रहा हूँ मैं, व्हाट इज दिस, ये क्या देख रहा हूँ मैं भाई? ठीक है भाई 3x लूट की हुई है भाई, तुम्हें फ्लेयर गन मिल रही है
माना मैंने कि तुम्हें फ्लेयर गन मिल रही है, लेकिन उसके बाद तुम्हारा मतलब ये थोड़ा ना कि भाई कहीं भी जाओगे कहीं भी नहीं जाओगे, भाई सब दूर से आ रहे हो कहीं से भी BRDM लेके आ रहे हो, मतलब क्या है भाई, हद है भाई, भाई कुछ तो शर्म कर लो, नहीं कुछ तो शर्म कर लो, मतलब क्या होता है ये होता क्या है भाई, कुछ बग्गी वग्गी लेके आते हैं, जीप वीप लेके आते हैं क्या, समुद्र के अंदर रह रहे हो भाई, पता तुम्हें नोवो कितनी दूर था, पूरे मैप के अंदर नोवो इतनी दूर था ना कि भाई साहब लड़ाई चल रही है इंडिया के अंदर और तुम ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हो, अब शर्म कर लो, ये कहाँ से चारों बंदे में से एक को भी शर्म नहीं आ रही। तो भाई यहाँ पे टीम नंबर 24 और टीम नंबर 14 की फाइट चल रही है और यहाँ पे टीम नंबर 14 का बंदा एक बंदा नॉक पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं भाई साहब 1v2 कर पाएगा नहीं कर पाएगा अपना लौंडा टीम नंबर 14 का, जोकर, जोकर नाम है इसका, है ना जोकर ये ना, हाँ ये जोकर बंदा, देखते हैं टीम नंबर 24 के दोनों लुटेरों को मार पाएगा नहीं पाएगा। और यहाँ पे मुझे लगता है कि जोकर भाई बाउंड्री वॉल के पीछे एकदम फुल कवर में और यहाँ पे पूरी तरीके से प्रीफायर देने की कोशिश, और यहाँ पे एक बंदा जो है वो नॉक कर दिया जोकर ने और यहाँ पे दूसरा बंदा जो है वो जंप मार के जोकर गुड्डू का गुड्डा बना गया, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। और टीम्स को देखते हैं क्या कर रही है, और यहाँ पे भाई टीम नंबर 15 जो है FS, जी हाँ FS की टीम जो है बिल्कुल शैक के अंदर घुसी पड़ी है, क्यों घुसी पड़ी, क्योंकि भाई सिर्फ जो इतना छोटा सा जोन है जिसमें 19 बंदे बचे हैं वो बहुत ही छोटा जोन है, यहाँ पे भाई पूरा ओपन में जोन है, यहाँ पे सिर्फ शैक ही है जो कि भाई पूरे का पूरा कवर के अंदर है, पेड़ के पास है, और यहाँ पे हम आप लोग देख सकते हैं कि भाई टीम नंबर 25 जो है ना उसके पास पूरा कवर है, मतलब वो बहुत दूर है और सबसे सेफ जो है मैं टीम नंबर 25 को बोलूंगा वो है। और यहाँ पे टीम नंबर 21 भी जो है भाई सबसे अच्छा व्यू उन पे बिल्कुल हिल पे है और ऊपर से व्यू आपको पता है कितना बढ़िया आता है, स्नाइपिंग करने तो ओपन के अंदर ही अलग है। तो भाई सबसे ज्यादा यहाँ पे खतरा हो सकता है भाई टीम नंबर 17 को, टीम नंबर 17 जो है वो बिल्कुल बीच में है, और बीच में कहने का मतलब है क्योंकि यार राइट में उनके टीम नंबर 19 है और लेफ्ट में उनके टीम नंबर 25 है, तो यार दोनों तरफ से उन्हें गोली पड़ सकती है बहुत ही यू नो मुश्किल में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भाई बमबारी भी फुल टू एकदम फंटास्टिक तरीके से हो रही है, यहाँ पे टीम नंबर 15 के बंदे जो है वो भी बिल्कुल बीच में फंस चुके हैं भाई, उन्हें ऊपर से भी गोली पड़ रही है, पीछे से भी पड़ रही है, आगे से भी पड़ रही है, दाएं से भी पड़ रही है, बाएं से भी पड़ रही है, हर जगह से गोलियाँ ही पड़े जा रही है, गोलियाँ ही पड़े जा रही है, और दो बंदों की हेल्थ हो चुकी है बिल्कुल कम। और सबसे अच्छी पोजिशन में यहाँ पे मैं पहले ही बोल रहा था भाई टीम नंबर 21 मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि भाई बिल्कुल हिल पे है वो लोग, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग भाई FSZ ने जो है वो स्पॉट भी कर लिया टीम नंबर 21 के बंदे को, और यहाँ पे ये बंदे आराम से लेटे पड़े हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मरे कोई जिए, मैं तो लेट हूँ, देख रहे हो आप इसे पूरा मतलब अच्छे तरीके से मतलब घसीट रहे हैं अपने आपको जमीन पे कि मैं दिखूँ ना किसी तरह, लेवल 2 के हेलमेट पे टोप पड़े हुए, अगर एक ओम पड़ी ना ऊपर से हिल से तो साले वैसे खुल जाओगे तुम लोग, ठीक है तो थोड़ा हिल लो क्या जा रहा है। यहाँ पे टीम नंबर 19 में भाई बिल्कुल कवर में रह के अपने आपको बचा के बिल्कुल खेल रही है, लेफ्ट में उन्होंने पूरा स्मोक यू नो स्मोक से वॉल बनाती है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई स्मोक चारों तरफ भाई गोलीबारी चलती हुई फुल बूमबा में यहाँ पे मस्त हुआ, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई गिली सूट में भाई गिली सूट वाले की भी पूरी गीली होने वाली, और जी हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा था भाई गिली सूट वाले की पूरी गीली यहाँ पे हो चुकी है। और यहाँ पे देखते हैं भाई साहब गाड़ी लेके कौन आ रहा है भाई, ये बग्गी लेके भाई समझ नहीं आ रहा मुझे, तो भाई एम साहू को देख सकते हैं भाई टीम नंबर 95 फर्स्ट मारते, और यहाँ पे इनका भी जो है पिछवाड़ा खोल दिया गया है, टीम नंबर 25 बहुत ही दूर, टीम नंबर 25 को आना पड़ेगा जोन के अंदर क्योंकि वो टीम जो है वो बहुत दूर है इस टाइम, चारों बंदों की जिंदा, और यहाँ पे फुल फाइट चलती हुई टीम नंबर 13 भाई बिल्कुल चुपके खेलते हुए, टीम टॉक्सिक जो है वो बिल्कुल कवर के अंदर बग्गी लेते हुए और पत्थर के पीछे कवर लेते हुए, टीम नंबर 13 ने भाई स्पॉट कर लिया टीम नंबर 19 के बंदों को, पेड़ के ऊपर उन्होंने मेरे ख्याल से स्पॉट कर लिया, और यहाँ पे सारे अपने कपड़े उतार दिए, नंगे हुए खेलने का पूरा इरादा है इनका, और यहाँ पे टीम नंबर 19 के ऊपर फायरिंग करते हुए क्योंकि इन्होंने यहाँ पे स्पॉट कर लिया है, तो स्मोक के पीछे इन्होंने प्री फायर ऐसे ही कर दिया लेकिन वहाँ पे किसी को कुछ डैमेज नहीं हुआ है। और यहाँ पे टीम नंबर 21 भी पूरी स्मोक वॉल बनाती हुई आगे बढ़ती हुई क्योंकि उन लोगों ने जोन में आना है, रोड क्रॉस करनी है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भाई कितनी बुरी तरीके से जो है वो स्मोक वॉल जो है बन चुकी है भाई, कम से कम 15-20 स्मोक जो है वो एंड सर्कल के अंदर पूरा भाई वाइट वाइट हो चुका है, मतलब खतरनाक भाई पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं मुझे स्मोक के, तो यहाँ पे देख रहे हो आप देख रहे हो। और यहाँ पे सबसे अच्छी पोजिशन में जो है वो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि टीम नंबर 21 और टीम नंबर 25 है क्योंकि टीम नंबर 25 के चारों बंदे लेकिन एक ही पत्थर के ऊपर है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक ही पत्थर के ऊपर चारों बंदे अटके हुए हैं, इन्हें समझ जा रहे हैं हम कर तो करेंगे भाई, 34 मीटर दूर जोन है और यहाँ पे टीम नंबर 21 का एक बंदा नॉक हो चुका है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से वो जोन में पहुँच सकता है और स्मोक करके ये लोग बचा भी सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी यहाँ पे कि रोड के ऊपर भाई पूरा इन्होंने स्मोक वॉल बना दिया, मेरे ख्याल से टीम नंबर 21 बचा लेगी, लेकिन यहाँ पे लेट के भाई पूरा स्प्रे मारते हुए टीम नंबर 21 के बंदे यहाँ पे स्पॉट कर टीम नंबर 15 के बंदे को, और यहाँ पे पूरी तरीके से भाई टीम नंबर 21 के बंदे ने भाई टीम नंबर 25 के बंदे को मेरे ख्याल से खत्म करने की पूरी फ्राक में, और यहाँ पे दो बंदे नॉक कर दिया भाई हैक्सोस ए बी ने, बहुत ही बड़े यहाँ पे नेट करने की पूरी पूरी कोशिश, और भाई वो दोनों बंदे मेरे ख्याल से जोन से मर चुके, यहाँ पे 7 किल, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, यहाँ पे ए बी ने खत्म कर दिया नेट से दोनों बंदों को भी, बहुत ही ओपी गेम प्ले यहाँ पे टीम हैक्सोस के द्वारा, और यहाँ पे भाई टीम नंबर 19 के बंदे भी यहाँ पे नॉक हो चुके, टीम नंबर 15 बिल्कुल फंस चुकी है, और यहाँ पे नेट आप देख सकते हैं नेट पे नेट फेंकते हुए यहाँ पे एक्सोस ए बी और
यहाँ पे सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी है भाई, नेट फेंको वापसी आके लेट जाओ, नेट फेंको वापसी आके लेट जाओ। अरे गिली सूट वाले बंदे भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा ये करना क्या चाहता है भाई, कहना क्या चाहते हो मुझे ये बताओ भाई। ये बैठ के गिली सूट है तो बैठ के खेल ले, लेट के खेल ले, इतना बड़ा जोन है, ओपन में जोन है भाई, घास के अंदर लेटना, तेरे शरीर पर घास है, घास घास है, घास है घास, लेट जा भाई, लेट जा, लेट के खेल ले, बहुत अच्छा लगेगा, किसी को दिखेगा भी नहीं, बंदों को देख वो नंगे हो गए खेल रहे, तो भाई चौड़े में ऊपर हो गए खेल रहे, इसे पता है इसके पीछे कोई नहीं है, नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, लोकेशन पता है तेरे को, नहीं मुझे बता दे भाई, तू ये टीम नंबर 13 देखिए नंगा हुए घूम रहा है, तू घास वाले कपड़े पहन के घासों में नहीं घुसना, मतलब क्या ही बकचोदी हो रही है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है भाई। यहाँ पे जोन से आते हो क्योंकि जोन की स्पीड बहुत तेज है, और यहाँ पे टीम नंबर 15 का बंदा यहाँ पे नॉक हो चुका है, टीम नंबर 13 यहाँ पे खत्म हो चुकी है, और यहाँ पे टीम नंबर 13 भी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, तो यहाँ पे सिर्फ दो टीम बची है, टीम नंबर 13 का पूरा स्क्वाड खत्म हो चुका है, और यहाँ पे मैच भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। टीम नंबर 21 ने 19 किल्स के साथ टीम हाइक्स और 19 किल्स के साथ यहाँ पे चिकन डिनर ग्रुप ए के फर्स्ट मैच में डे वन के अंदर निकाल लिया है, और बहुत ही बढ़िया खेली टीम हाइक्स भाई 19 किल्स के साथ जो इन्होंने चिकन डिनर निकाला है, बहुत ही बढ़िया खेली है सारी टीमें जो है अपनी, बहुत ही बढ़िया खेले, बिल्कुल T3 का फर्स्ट डे था, और फर्स्ट डे के अंदर ही मतलब फुल बूम्बा में, और मजा आया एकदम, कॉम्पिटेटिव बंदों ने पूरा दिखाया कि भाई सेफ कैसे खेलते हैं भाई, क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं, सबको एकदम बड़े तरीके से किया। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल फिर दोबारा वीडियो के अंदर और लाइव स्ट्रीम के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। I don't need no